अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केयरिंग फॉर द प्लांट्स। क्या हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए? यस ऑफ कोर्स, हमें प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा केयर करनी चाहिए, बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्वाइवल यानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ हमारे बल्कि सारे लिविंग बींग्स है इस अर्थ में, सबके लिए प्लांट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट्स जो हमें रेस्पायर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन गैस जो हमें चाहिए वो प्लांट्स हमें देते हैं। प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, मेडिसिंस देते हैं, स्पाइसेस देते हैं, वो हमें वुड भी देते हैं, राइट? और एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को, सारे एनिमल्स को भी प्लांट्स जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमें प्लांट्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। वो किस तरह से की जा सकती है, उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप, प्लांट को अगर ग्रो करना है तो उस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें प्लांट्स के बीच में स्पेस रखनी चाहिए, ताकि सारे प्लांट्स को अच्छे से ज़्यादा पानी, न्यूट्रिएंट्स सब मिल सके सॉइल में से, ठीक है? अब सेकेंड है, अगर कोई भी प्लांट है वो सूखने वाला होता है तो हमें उसे सूखने नहीं देना चाहिए। उसको जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट है उसे चाहिए उतना पानी देना चाहिए। अगर आपके आसपास प्लांट्स हैं तो आपको उनको ज़रूर से ज़रूर पानी देना चाहिए, राइट? कुछ प्लांट्स को कम पानी चाहिए होता है जबकि कुछ प्लांट्स को ज़्यादा चाहिए होता है, बट हमें प्लांट को सूखने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, हमें प्लांट को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट देनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट, हमें प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो सके। नेक्स्ट, सॉइल जो है जहाँ हमें प्लांट ग्रो करना है उस सॉइल को हमें टाइम टू टाइम टर्न अप करना चाहिए। ऐसे टर्न अप करने से क्या होगा, सॉइल जो होगा वो पोरस रहेगा। पोरस यानी कुछ छेद वाला, छेद की वजह से ज़्यादा पानी जा सकता है और वो पानी प्लांट तक पहुंच सकता है। कुछ प्लांट में जो है इंसेक्ट अटैक कर देते हैं और वो प्लांट को खा जाते हैं, इसलिए हमें उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड स्प्रे करना चाहिए ताकि वो कुछ और इंसेक्ट और एनिमल द्वारा जो है उनका विनाश ना हो सके। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में प्लांट के सारे पार्ट्स पढ़े और वो कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो पढ़ा, और हमें प्लांट्स की कैसे केयर करनी चाहिए वो हमने देखा, राइट? सो ये था हमारा चैप्टर प्लांट्स इन द सराउंडिंग। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे द फूड वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, हमें प्लांट्स से क्या क्या फूड मिलता है, वो है हमारा चैप्टर नंबर 6। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 6 की शुरुआत करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग साइंस। Thank you.